हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थैनोस की स्वॉर्ड के बारे में। तो क्या है वो आइए देखते हैं। तो दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम में हमें थैनोस का एक अलग ही वेपन दिखाया गया जिसे नाम दिया गया है इन्फिनिटी स्वॉर्ड का, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने एक ही झटके में कैप्टन की शील्ड को तोड़ दिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फिनिटी स्वॉर्ड के ओरिजिन को और जानेंगे कि किस तरह से ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इसकी ओरिजिन की तरफ। तो दोस्तों मेन यूनिवर्स में ना तो इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है और ना ही ये मेन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। इसे मार्वल कॉमिक्स के एक अल्टरनेट यूनिवर्स जिसका नाम है 9119 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में दी सुपर हीरो स्क्वाड शो की कॉमिक सीरीज में, और इसे आखिरी बार दिखाया गया 2013 में। इस सुपर हीरो स्क्वाड शो कॉमिक सीरीज में हमें इन्फिनिटी स्वॉर्ड का ओरिजिन पूरी डिटेल के साथ बताया गया और दिखाया गया कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। इन्फिनिटी स्वॉर्ड एक कॉस्मिक वेपन है जो अपने उठाने वाले को इन्फिनिट पावर दे देता है। अगर इन्फिनिटी स्वॉर्ड को इन्फिनिटी गाउंटेड के बगैर यूज किया जाए तो इसकी पावर थोड़ी कम पड़ जाती है। अगर इसे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ यूज किया जाए तो इसकी पावर अनलिमिटेड हो जाती है और इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। दी सुपर हीरो स्क्वाड शो कॉमिक सीरीज में हमें ऐसा ही कुछ दिखाया गया। तो डॉक्टर डूम चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर ले तो उसने इन्फिनिटी स्वॉर्ड का यूज किया, लेकिन जब आयरन मैन को इस बात का पता चला तो उसने डॉक्टर डूम को रोकने की कोशिश की। आयरन मैन और डॉक्टर डूम की फाइट के दौरान इन्फिनिटी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए जिन्हें इन्फिनिटी फ्रैक्टल्स के नाम से जाना जाता है। टूटने के दौरान इन्फिनिटी स्वॉर्ड में से इतनी एनर्जी निकली कि इसके टुकड़े पूरे यूनिवर्स में फैल गए और सारे सुपर हीरो और सुपर विलन्स इन्फिनिटी फ्रैक्टल्स को इकट्ठा करने में लग गए। कुछ सुपर हीरो और सुपर विलन्स को कुछ इन्फिनिटी फ्रैक्टल्स मिल भी गए। इसी दौरान जब सब इन्फिनिटी फ्रैक्टल्स को ढूंढने में मसरूफ थे तो आया गैलेक्टस अर्थ को कंज्यूम करने, यानी कि अर्थ को खाने। तो जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूंगा कि गैलेक्टस की बुक प्लैनेट को कंज्यूम करने से ही बुझती है। गैलेक्टस को सारी पावर्स प्लैनेट की एनर्जी से मिलती हैं और इसीलिए वो आया था अर्थ को कंज्यूम करने। लेकिन गैलेक्टस के अर्थ को कंज्यूम करने से पहले ही डॉक्टर डूम को सारी इन्फिनिटी फ्रैक्टल्स मिल जाते हैं और वो दोबारा इन्फिनिटी स्वॉर्ड को असेंबल करके गैलेक्टस पर हमला करता है। लेकिन इन्फिनिटी स्वॉर्ड की पावर के साथ भी गैलेक्टस को कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, गैलेक्टस इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके सामने इन्फिनिटी स्वॉर्ड की पावर कुछ नहीं थी। तो जब डॉक्टर डूम को ये बात रियलाइज होती है कि वो गैलेक्टस से जीत नहीं सकता तो वह गैलेक्टस पर हमला करना छोड़ देता है। और जब डॉक्टर डूम हार जाता है तो वहाँ आता है सिल्वर सर्फर। सिल्वर सर्फर ये बात जानता था कि अगर इन्फिनिटी स्वॉर्ड और इन्फिनिटी स्टोन को मिला कर यूज किया जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गैलेक्टस को रोका जा सके। इसीलिए वो वहाँ इन्फिनिटी गाउंटलेट लेकर आता है जिसमें 6 स्टोन्स लगे हुए होते हैं, और फिर वो इन्फिनिटी स्वॉर्ड और इन्फिनिटी स्टोन को मिलाकर गैलेक्टस पर अटैक करता है। लेकिन गैलेक्टस को इससे भी कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, गैलेक्टस इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे इन्फिनिटी स्टोन और इन्फिनिटी स्वॉर्ड की पावर के साथ भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन और इन्फिनिटी स्वॉर्ड को साथ मिलाकर यूज करने से इतनी ज्यादा एनर्जी खारिज हुई कि जिससे गैलेक्टस का पेट भर गया और गैलेक्टस अर्थ को कंज्यूम किए बगैर वहाँ से चला गया क्योंकि उसका पेट भर चुका था। सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के साथ गया क्योंकि वो ये बात जानता था कि जब भी गैलेक्टस किसी प्लैनेट को कंज्यूम करने जाएगा तो वो उसकी भूख आसानी से मिटा सकता है। लेकिन आगे चल के पावर्स ने सिल्वर सर्फर के माइंड को भी करप्ट कर दिया। कॉस्मिक एनर्जी को लेकर सिल्वर सर्फर की भूख और बढ़ गई और वो भी अब पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता था। इसी दौरान उसने बहुत से बुरे काम भी किए जिसकी वजह से उसने अपना नाम डार्क सर्फर रखा। सिल्वर सर्फर के पास भी ये पावर्स ज्यादा देर तक नहीं रही। दी सुपर हीरो स्क्वाड के सारे मेंबर्स ने मिलकर सिल्वर सर्फर पर अटैक किया। उसे इन्फिनिटी स्वॉर्ड और इन्फिनिटी स्टोन दोनों ही वापस ले लिए और फिर दोनों को डिस्ट्रॉय करके पूरे यूनिवर्स में फैला दिया ताकि वो दोबारा किसी विलन के हाथ ना लग सके। तो दोस्तों ये थी इन्फिनिटी स्वॉर्ड की कॉमिक बुक ओरिजिन। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कॉमिक बुक ओरिजिन में ना तो थैनोस था और ना ही इन्फिनिटी स्वॉर्ड थैनोस के पास थी। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि इस कॉमिक के सारे इवेंट्स एक अल्टरनेट रियलिटी में हो रहे हैं। मार्वल कॉमिक्स के मेन यूनिवर्स में थैनोस के पास हमेशा इन्फिनिटी गाउंटलेट रहता है, लेकिन एवेंजर्स एंडगेम में हमें थैनोस के पास इन्फिनिटी स्वॉर्ड दिखाई गई और यही चीज मूवीज को कॉमिक्स से अलग बनाती है और यही चीज हमें मार्वल का फैन भी बनाती है। तो दोस्तों इन्फिनिटी स्वॉर्ड के कॉमिक बुक ओरिजिन में हमें इसकी पावर्स तो डिटेल से बताई गई, लेकिन इसे किसने बनाया इसकी डिटेल हमें नहीं दी गई। सिर्फ इतना बताया गया कि ये एक कॉस्मिक वेपन है। तो दोस्तों रिसेंटली एक थ्योरी निकल
ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि थानोस बिलोंग करता है इटर्नल्स प्रजाति से जिन्हें सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या इंफिनिटी सर्च स्टॉर्म ब्रेकर से ज़्यादा पावरफुल है। हम जानते हैं कि थोर ने निडा वैली में टूटे सितारे के मेटल से स्टॉर्म ब्रेकर को क्रिएट किया। एवेंजर्स इंफिनिटी वार के फाइनल बैटल के टाइम पर हम ये देख चुके हैं कि पावर स्टोन की फोर्स भी स्टॉर्म ब्रेकर के सामने कुछ नहीं थी। इंफिनिटी सर्च ने कैप्टन की शील्ड को तोड़ दिया जबकि थोर ने कैप्टन की शील्ड पर एक दो बार मार चुका है एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर, लेकिन कैप्टन की शील्ड को कुछ नहीं हुआ। हम थोर रैग्नारोक में देख चुके हैं कि हेला ने मियोनेर को तोड़ दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर फैक्ट वाली बात ये निकल कर आती है कि स्टॉर्म ब्रेकर और मियोनेर को तोड़ा जा सकता है क्योंकि ये दोनों एक ही मेटल से बने हैं। अब बात करते हैं इन्फिनिटी सर्च की। एवेंजर्स एंडगेम के फाइनल बैटल के टाइम पर वांडा ने अपनी फुल फोर्स को यूज करते हुए इन्फिनिटी सर्च का एक एच तोड़ दिया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्फिनिटी सर्च की पावर इन्फिनिटी स्टोन के बगैर थोड़ी कम पड़ जाती है और वांडा को उसकी पावर्स माइंड स्टोन से मिली हैं जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है, इसलिए इन्फिनिटी सर्च वांडा के सामने कुछ नहीं थी और उसने आसानी से इसका एक पार्ट तोड़ दिया। दोस्तों इन्फिनिटी सर्च और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों को ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन अगर बात करें पावर की उसमें इन्फिनिटी सर्च स्टॉर्म ब्रेकर से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये अर्थ के रेयरेस्ट मेटल को भी काट सकती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप इन्फिनिटी सर्च के ओरिजिन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इन्फिनिटी सर्च दोबारा मार्वल की अपकमिंग मूवी इटर्नल्स में नजर आ सकती है तो भी हमें अपने थॉट से आगाह करें। बस तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय। सुपर एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।